हे गाइस, टाइटन में लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च की गई है मल्टी फंक्शन में। अगर आपका बजट 5 से 6 हज़ार के बीच में है, यानी 5,000 से 6,000 के अंडर है, तो आप इस वॉच को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छी लुक है इस वॉच की। आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसका कर्व दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत कर्व है। ऊपर की साइड जो है ये ग्लोसी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट फिनिश दी हुई है। इस वॉच का जो मिरर है वो भी डूम ग्लास लगा हुआ है, यानी यहाँ से कर्व है। यहाँ पे आप देखेंगे संडे मंडे आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ जो सेंटर पे पोर्शन आ रहा है बिल्कुल नीचे, यहाँ पे 24 आवर सेटिंग्स है, और जो क्राउन की साइड है यहाँ पे 31 तक डेट दी हुई है। और लेदर में, मेटल में इस वॉच को लॉन्च किया गया है, पीच कलर का ये लेदर। लेदर की क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है। अब बैक साइड पे नज़र दे लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे आपको एक यूनिक कोड दिखाई देगा। यूनिक कोड जो कि आपकी वॉच की वारंटी कंफर्म करता है, यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं ये पॉइंट आउट करता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंट वॉच है, ये बार कोड दिया हुआ है। अभी बार कोड सिस्टम टाइटन में प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसे इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख सकते हैं 2650 WAB लिखा हुआ है। W होता है कि जो इसका कलर है ना, कलर के डिफाइन किया होता है, और कॉपर कलर है इसलिए WM होता है ये आर्टिकल। WL लेदर और M मेटल का केस होता है, उसको कहा जाता है। इसके अलावा इस वॉच को मेटल में भी लॉन्च किया गया है, मेटल में कॉपर एंड ब्लैक मेटल में लॉन्च किया गया है। कॉपर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया WM नाम होता है इसका, और जो ब्लैक कलर है उसके लिए NM होता है। तो यहाँ पे आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं, और आर्टिकल्स की मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया है। इसमें जो चैन लगा हुआ है ये मैश चैन है। बात करते हैं इस वॉच की टाइम कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं आपको फर्स्ट टाइम है, मैं भी करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से क्राउन में दो पोर्शन होता है, एक सेंटर पोर्शन, एक बाहर जो प्रॉपरली हम बाहर निकाल लेते हैं वो, उससे हम टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो सेंटर पोर्शन होता है उससे डे डेट सेट होती है। अब यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लेता हूँ एक बार। मेरा करंट टाइम है 2 PM, तो मैं यहाँ पे 2 PM कर दिया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 12 के बाद 14 विजिबल हो रहा है, तो 14 पर आया तो इसका मतलब दोपहर का टाइम है। अगर 24 के बाद का शो करता तो रात का टाइम होता। अब सेंटर पोर्शन पे जाते हैं, सेंटर पोर्शन पे आ गए। अब यहाँ से मैं स्लाइड करूँगा नीचे की तरफ, हम स्लाइड कर रहे हैं तो कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब वन साइडेड ही इसमें कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। और ये हम यहाँ से ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो डेट आप देख सकते हैं, डेट मूव हो रही है। जो मेरी अभी करंट डेट है मैंने उसको सेट कर लिया, आज 21 है। बात आती है डे की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। डे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जो टाइम है, टाइम को मैनुअली सेट करना है। तब तक इसे मूव करना है जब तक करंट डे नहीं आ जाता, यानी जैसे मेरा करंट डे संडे है, तो मैं तब तक इसे मूव करूंगा टाइम को जब तक संडे नहीं आ जाएगा। और मूवमेंट होने के बाद मुझे डेट को सेट करना है, डेट उसके बाद ही सेट होगी। पहले हमें डे की सेटिंग करना ज़रूरी है मैनुअली। कई वॉचेज़ में होता था कि सेंटर पोर्शन से ही हम डे डेट सेट कर लेते थे, लेकिन इस वॉच में ऐसा नहीं है। तो मैंने कंटिन्यूसली इसको मूव किया है। अभी आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो जो 24 आवर्स की नीडल है वो भी मूव हो रही है। अब संडे हो गया तो मैं दोपहर का टाइम सेट कर लेता हूँ। दोपहर के 2 बजे का टाइम सेट हो गया, और ये रहा दोपहर के 2 बजे। अब सेंटर पोर्शन पे आ गए और ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं और करंट डेट सेट कर लेते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है टाइम कॉन्फ़िगरेशन का। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखा हुआ है कंपनी ने, लेकिन बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। अब ये जो वॉच है, जो इसका कलर है, कलर्स की 1 ईयर की वारंटी होती है। अब वारंटी में क्या होता है कि 50% कलर रिमूव हुआ होना चाहिए, यानी वन साइडेड ही कलर रिमूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड जब हम वियर करते हैं तो जो नीचे की तरफ की साइड होती है वो काउंट नहीं होती, वो नॉर्मल वियर एंड टियर में काउंट होती है। और दोनों तरफ से अगर कलर रिमूव हुआ हो तो कंपनी उसे मानती है। इसके बाद केस के कलर की वारंटी होती है, केस का कलर निकल गया हो या केस पे धब्बे पड़ रहे हो। थर्ड वन आती है काट, यहाँ से अगर आपको वॉच किसी तरह का आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, या फिर आपके जो आपने क्लॉथ वियर किए हुए हैं उनको किसी तरह का डैमेज कर रही है, तो उसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। 2 ईयर्स की इसकी मैकेनिकल वारंटी होती है। ये वॉच 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंट होती है। आपने नहाने के टाइम पे इन वॉचेस को वियर नहीं करना होता, कंपनी के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि वो चेक कर लेते हैं कि आपने इसे कैसे वियर किया हुआ है। अगर नॉर्मली वियरिंग में आपके वाटर एंट्री होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इशू में काउंट होता है, और उसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। ब्रेकेज की कोई वारंटी नहीं होती।
टाइम कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई इशू आ रहा हो तो उसकी 1 ईयर्स की वारंटी, 2 ईयर्स की वारंटी होती है। तो ये इसका प्रोसीजर है। अगर आपका बैटरी में कोई इशू होता है तो उसकी भी 1 ईयर्स की वारंटी होती है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आए किसी भी वॉचेज में, टाइटन से रिलेटेड, उसकी वारंटी के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। थैंक यू।